फ्रेंड्स, लास्ट हमने टॉपिक देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस, अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो क्या चांसेस होते हैं उसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर कंडीशन आती है ना, दैट वी हैव सीन इन लास्ट टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है जहां पर तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, तो हम उसे बाय एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये हमने स्टैंडर्ड 9th-10th में भी देखा है, लेकिन वहां पर हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो टू वेरिएबल तक के लिमिटेड था। यहां पर हम थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए भी ये मेथड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। सो इट इज अ मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एंड दिस मेथड इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ द टर्म कंटेनिंग वन ऑफ अननोन्स इन ऑल बट वन इक्वेशन। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते जाना है सच दैट जो लास्ट का जो इक्वेशन रहेगा उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल बचेगा, एंड वन सच स्टेप रिड्यूसेस द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बाय वन। और इस तरह से स्टेप्स क्या करते जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स में लास्ट इक्वेशन जो होगा उसमें सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन बन जाएगा, ऐसे ऑर्डर ऑफ इक्वेशन एक एक से कम होते जाएगा, एंड रिपीटेड एलिमिनेशन लीड्स फाइनली टू अ इक्वेशन विथ वन अननोन। और ऐसे लिमिटेड रिपीटेड हम क्या करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे, तो फाइनली जो लास्ट वाला इक्वेशन होगा उसमें सिर्फ वन अननोन रह जाएगा, मीन्स अ लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद हम बैकवर्ड में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वो वेरिएबल की वैल्यू, और हमें बाकी अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, सम रूल्स दैट आर यूजफुल इन मैनिपुलेशन ऑफ द इक्वेशन आर, जब हम मैनिपुलेट करते हैं इक्वेशन को, जैसे मैंने बताया कि हमें क्या करना है, वेरिएबल से एलिमिनेट करते जाना है, मीन्स हमें कुछ मैनिपुलेशन करने होंगे। तो ये जब हम करते हैं तो कुछ रूल्स हमें ध्यान में रखना है। नंबर वन, एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कॉन्स्टेंट। किसी भी इक्वेशन को या तो हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड रूल है, वन इक्वेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर इक्वेशन। किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में एड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड रूल इज, इक्वेशन कैन बी अरेन्ज इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में इक्वेशन को हम अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट, या फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट हम लिख सकते हैं, मींस वी कैन रीअरेंज द इक्वेशन। अब यहां पर हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो यहां पर तीन इक्वेशन दिख रहे हैं हमें, सो वी कॉल इट एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि मोर देन टू इक्वेशन है, टू और मोर देन टू इक्वेशन जहां पर हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus y plus z is equal to 10, थ्री वेरिएबल्स है या फिर कह सकते हैं थ्री अननोन्स है। सिमिलरली 3x plus 2y plus 3z is equal to 10, इक्वेशन नंबर टू। एंड थर्ड इक्वेशन है x plus 4y plus 9z is equal to 16। अब अगर सिंगल इक्वेशन रहता है तो वहां पर तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं उस इक्वेशन के, बराबर। अब हमें क्या करना है, थ्री इक्वेशन दिए गए हैं, थ्री अननोन्स है, हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जो तीनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो वह हमने देखा था पिछले वीडियो में, एक तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो यहां पर हमने प्रॉब्लम इस तरह का लिया, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप क्या है एलिमिनेशन की, फर्स्ट वी एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, एक्स को एलिमिनेट करेंगे, एंड फॉर दिस वी यूज द फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, आर टू का मतलब है यहां पर रो टू एंड आर थ्री का मतलब है रो थ्री। सो रो टू इज इक्वल टू, या आर टू इज इक्वल टू रो वन इंटू माइनस थ्री बाय टू प्लस आर टू। अभी माइनस थ्री बाय टू क्यों किया है,
मतलब हमें रो वन में क्या करना है, माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस रो टू ऐड करना है। इस तरह से रो टू को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो माइनस 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 3 माइनस 3। और जब ये माइनस 3 प्लस 3 ऐड होंगे, आर टू में जब इसे ऐड करेंगे, इक्वेशन आर वन को आर टू में जब ऐड करेंगे, तो माइनस 3 प्लस 3 एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए इक्वेशन आर वन को हमें माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आर टू मतलब सेकेंड इक्वेशन को उसमें ऐड करना है। सिमिलरली रो 3 में हम क्या करेंगे, रो 3 इज इक्वल टू, या आर 3 इज इक्वल टू आर 1 इंटू माइनस 1/2 प्लस आर 3। आर 1 को मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2 करना है, क्यों, क्योंकि आर 1 में क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 से डिवाइड करने के बाद वो वहां पर एक्स बचेगा, ठीक है। और आर 3 में एक्स ही है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 1 लगेगा हमें, जैसे यहां पर 3 लगा था क्योंकि रो 2 में 3 था कोएफिशिएंट, यहां पर 1 है तो 1 ही रहेगा, दैट इज माइनस 1/2 इंटू आर 1 प्लस आर 3। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन आ गया यहां पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाय जब माइनस करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा रो 3 को हमको ट्रांसफॉर्म करना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद रो 1 रो 2 एंड रो 3 आर आर 1 आर 2 एंड आर 3 आर रो 1 रो 2 रो 3, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, 2x + y + z = 10, रो 2 हो जाएगी 0.5y, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखो किस तरह से रो 1 को मल्टीप्लाई किया है माइनस 3/2 से, तो यहां पर माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है, प्लस यहां पर मिलेगा माइनस 3/2y, और यहां पर मिलेगा माइनस 3/2z इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 3/2, दैट इज 10 3 इज 30, माइनस 30/2 दैट इज माइनस 15 मिलेगा, माइनस 15 प्लस 10 में ऐड होगा तो लास्ट में हमें माइनस 5 मिलने वाला है यहां पर, ठीक है। माइनस 3/2 माइनस 30/2 दैट इज माइनस 15 प्लस 10 वो हो जाएगा इस तरह से। तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, वाई हमें मिल रहा है माइनस 3/2 प्लस 2 दैट इज 0.5y, जेड मिल रहा है 1.5z इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है। और वैसे थर्ड इक्वेशन हो रही है हमारी, थर्ड इक्वेशन में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो x से x कट जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को जब माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2y प्लस 4y, माइनस 1/2y प्लस 4y दैट इज 8.5z, सॉरी 3.5y, y की वैल्यू होगी, z के साथ में ये हो जाएगा माइनस 1/2z प्लस 9z दैट इज 8.5z इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 10 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 11। इस तरह से तीनों ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। स्टेप टू में हमें क्या करना है, नाउ वी एलिमिनेट y फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में से y भी एलिमिनेट कर देंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन में सिर्फ z मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, मॉडिफाई इक्वेशन। फॉर दिस वी यूज फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो 3 इज इक्वल टू रो 2 इंटू माइनस 3.5/0.5 प्लस आर 3, क्योंकि यहां पर y का कोएफिशिएंट चेक करना है, 3.5 है और यहां पर 0.5 है, तो हमें करना पड़ेगा माइनस ऑफ 3.5 प्लस अपॉन 0.5 प्लस आर 3 एंड वी विल गेट द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहां पर इस तरह से इक्वेशन मिलेंगे, 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 हमेशा एज इट इज रहेगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा 0.5y प्लस 1.5z इज इक्वल टू 3, जो पिछले केस में आया था वो एज इट इज रहेगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 10। अब इक्वेशन 3 आ गया है सिंगल वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड द डेरिवेशन ऑफ दिस अपर ट्रायंगुलर सिस्टम, ये अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है, सेकंड इक्वेशन में 2 है, लास्ट में 1 है, 3-2-1 ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहां पर, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इज कॉल्ड फॉरवर्ड एलिमिनेशन प्रोसेस। फॉरवर्ड एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब सेकंड इक्वेशन में हमने एक वेरिएबल एक्स रिमूव कर दिया,
थर्ड इक्वेशन में वाई और जेड एलिमिनेट कर दिया है ना इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एलिमिनेशन प्रोसेस। एंड नाउ बाय यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन फेज, दो फेज होते हैं एक्चुअली, फॉरवर्ड एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉरवर्ड एलिमिनेशन में हम एलिमिनेट करते जाते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैल्यू। सो इक्वेशन सी जो हम यहाँ पर कह रहे हैं इसमें से हमें मिल जाएगा माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, टू जेड इज इक्वल टू टेन दैट इज जेड इज इक्वल टू फाइव हमें मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी में जेड की वैल्यू पुट करेंगे हम तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 7.5 जेड, 7.5 प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड इंटू इक्वेशन ए, तो फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 पुट करना है प्लस वाई की वैल्यू माइनस 9 पुट करना है, सॉरी y की वैल्यू हमें पुट करना है माइनस 9 एंड z की वैल्यू पुट करना है 5, सो 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट x इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमें एलिमिनेशन प्रोसेस की मदद से वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग 3 अननोन्स। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं बेसिक गॉस एलिमिनेशन मेथड।